जितने भी वो देखेंगे ना एंटरप्राइज प्रोजेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पीछे भागते हैं, क्योंकि सेट की टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चला ले वो किसी तरह। क्यों? जैसा कि आपको मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि जी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के परस्पेक्टिव से नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव से। अच्छा, अभी जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो वो रिएक्ट के फ्रेमवर्क में जब 2016 में या 15 में आया था ना ये नया नया, तो फेसबुक ने इसको अपने लिए बनाया था। पब्लिक तो वैसे ही मूड बन गया, मौका मिल गया तो पब्लिक कर दिया, तो एक माहौल क्रिएट हो गया था उस ज़माने में एंगुलर के सुस्ती की वजह से। तो इन्होंने लगे हाथों, इन्होंने कहा यार चलो पब्लिक करते हैं, पैसा कमाते हैं इससे। तो वो उस वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे चलता था, लेकिन कम्युनिटी ने जो ना ऐसा उसको खींचा कि वो फंक्शनल पे वापस आके गिरा है। अभी अभी जो ओपन सोर्स वाला है वो फंक्शनल है, अब इंटरनल वो क्या यूज़ कर रहे हैं वो तो वो खुद ही जाने। तो ये पसंद नहीं करते इसको, जो जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लाइक नहीं करती, वो बोलती यार ये क्या बकवास है, इसके बगैर सारे काम होते हैं, ऐसी बिला वजह में मस्ती डाली हुई है। लेकिन सेट की जो टेंडेंसी है वो ये, तो यही वजह है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 99% काम किया है जावास्क्रिप्ट का, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो इस वजह से ये जो इसने बात की है ना कंप्यूटेड मेंबर, तो ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है, अभी देखेंगे साथ में मिलके पढ़ेंगे इसको। अच्छा जी, जनरेटर मेथड्स, शायद जनरेटर फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन इसको शायद कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जब पढ़ा तो उसमें भी हमने जनरेटर फंक्शन नहीं पढ़ा है ना इस क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडवांस अगर जाते चले जाएंगे ना जावास्क्रिप्ट में तो वो फिर एडवांस चीज़ें इतने हम इधर ही उलझ के रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जनरेटर मेथड भी हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे। स्टैटिक मेंबर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेंगे क्या होता है जी। अच्छा, इनहेरिटेंस वगैरह ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उनको ये पता होगा ऑलरेडी इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है, और जब वो क्लास का कीवर्ड वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है तो वो ज़्यादा इस पर शायद गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीफली इसको भी देख लेंगे। ये आज की क्लास में हमने ये सारा कवर करना है। ठीक है जी। अच्छा, इनहेरिटेंस अगर स्टैटिक मेंबर है तो उसमें इनहेरिटेंस कैसे होगी? डिराइव्ड क्लास फ्रॉम एक्सप्रेशन। बस आगे मेरा ख्याल है हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, वापस हम शुरू में आ जाते हैं टॉप पे इस बुक के। अच्छा, तो बेसिक क्लास डिक्लेरेशन तक हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे ना इसको ज़रा ये अपने लफ्ज़ों में बता रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब हम इस कोड को देखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसके नीचे जो बात बता रहा है ना ये, उसको थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। कल मैंने ज़रा अपने लफ्ज़ों में बयान किया था, आज इसकी बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसने कहा जी द क्लास डिक्लेरेशन फॉर पर्सन क्लास। अच्छा, पर्सन क्लास का मतलब क्या है कि एक डेटा टाइप बना रहा है ये जिसका नाम है पर्सन। नंबर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बूलियन एक डेटा टाइप है। अब ये एक अपना बना रहा है। बिहेव्स सिमिलरली टू पर्सन टाइप इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। अच्छा, प्रीवियस एग्जाम्पल में इसने वो जुगाड़ी तरीके से पर्सनन का यही सेम चीज़ बनाई थी। तो बट इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन एज अ कंस्ट्रक्टर, क्लास डिक्लेरेशन अलाउ यू टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली इनसाइड द क्लास यूजिंग स्पेशल कंस्ट्रक्टर मेथड नेम। अच्छा, इसने वो पहले वाली एग्जाम्पल पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। पहले वाली एग्जाम्पल ना वो ये है, वो जस्ट कुछ भी नहीं है कि भाई एक फंक्शन बना दो, उसके अंदर जो जो चीज़ें इसमें रखनी है इनपुट ले लो और ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दो। तो ये इस तरीके से ये पहले हो रहा होता था। अच्छा, बिकॉज क्लास मेथड यूजेज द कंसाइज सिंटेक्स देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द फंक्शन कीवर्ड। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर ना आपको कंस्ट्रक्टर के साथ आप देखें फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखा, हालांकि है ये फंक्शन, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्ट बना हुआ है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल अदर मेथड नेम्स हैव नो स्पेशल मीनिंग, सो यू कैन ऐड एज मैनी मेथड एज यू वॉन्ट। अच्छा, अब कह रहे हैं मेथड जो है ना आप जितने मर्जी लगा दें। अच्छा, मेथड क्या होता है? मेथड जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि जी एक में अगर
टाइप बना रहा हूँ, एक लाइब्रेरी की ऐप की मैंने मिसाल देके समझाया था कि लाइब्रेरी की ऐप बना रहा हूँ, उसमें बुक एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल में एक बुक क्रिएट होगा, या मैं यूज़र से इनपुट लूँगा तो वो बुक पूरा आएगा, वो पूरा बुक एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा होगा एज अ क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट वो न्यू करके हमने कल बना भी लिया था, नया इंस्टेंस भी बना लिया था उसका। तो अब उस बुक से मुतालिक कुछ फंक्शंस भी बनेंगे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वो फंक्शन मैं खुले बनाता हूँ, आपस में वो एसोसिएट नहीं होते। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वो मेरे ऊपर होता है कि मैं वो फंक्शन कहाँ रखूँ, जैसे भी रखूँ मेरी मर्जी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहते हैं जी उसी डेटा टाइप के अंदर ही वो फंक्शन बनाओ आप, उसी जैसे एरे पे डॉट करके पुश लगता है ना, एरे पे डॉट करके जब पुश लगता है तो क्या होता है, एरे में एक नया आइटम ऐड होता है, एरे पे डॉट करके पॉप लगता है तो एरे में चेंजेस आती हैं। तो इसी तरह ये कह रहा है कि जो बुक मैंने लाइब्रेरी की जो ऐप की मिसाल दी थी उसमें जो मेरे पास एक बुक के नाम का वेरिएबल है, बुक के डेटा टाइप का वेरिएबल है, अब मैं क्या करूँ, बुक डॉट सोल्ड लिखूँ तो वो बुक में चेंज आ जाए। ठीक है, बुक डॉट रेंट लिखूँ तो वो बुक रेंट पे चली जाए, उस बुक में बुक के वेरिएबल में चेंज आए। ठीक है, तो इस तरह करके ये इसको कहते हैं मेथड। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इसमें ना आपका कोई मसला नहीं है, आप जितने मेथड बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो बस एक कंस्ट्रक्टर के नाम से ना आप कोई मेथड नहीं बना सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के नाम से तो कंस्ट्रक्टर बनता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बुक डॉट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते आप। ठीक है, बुक डॉट सोल्ड बना सकते हैं, बुक डॉट रेंट बना सकते हैं, बुक डॉट रिपोर्टेड बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप जो भी मेथड बना सकते हैं। अच्छा, इसने जो बनाया है पर्सन की क्लास बनाई है, तो पर्सन की क्लास में इसने क्या लिखा है, पर्सन डॉट से नेम, ये इसने मेथड बनाया है। अच्छा, जब ये से नेम कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, दिस डॉट नेम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, गौर कीजिएगा, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, ये जस्ट स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है उसको। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, ये ओन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज दैट अकर ऑन द इंस्टेंस रेदर देन द प्रोटोटाइप कैन ओनली बी क्रिएटेड इन साइड अ क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड। अब ये इसने क्या बात की, किसी को समझ आई ये बात? वो कह रहा है कि जो ओन प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज दैट अकर्स ऑन द इंस्टेंस रेदर देन द प्रोटोटाइप, वो कह रहा है कि जो खुद की प्रॉपर्टीज होंगी ना वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी जाएगी, जैसे दिस डॉट नेम, कह रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी जाएगी। अच्छा, इन दिस एग्जाम्पल नेम इज द ओन प्रॉपर्टी, जैसे बुक में हमने कहा था कि जी एक बुक का जो डेटा टाइप होगा उसमें तीन चीज़ें हमने रखी थी कि यार बुक का नाम होगा, बुक के ऑथर का नाम होगा और उसका जॉनर होगा, तीन चीज़ें होंगी। तो ये तीन चीज़ें ना उसकी ओन प्रॉपर्टी है, यानी उस डेटा टाइप का पार्ट है, ये उस डेटा टाइप का पार्ट है ये। आई रिकमेंडेड क्रिएटिंग ऑल पॉसिबल ओन प्रॉपर्टीज इन साइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सो सिंगल प्लेस इन द क्लास इज responsible for all of them. अच्छा जी, interestingly class declarations are just synthetic sugar. अब ये इसने जो बात की है ना, I'm very happy कि इसने ये बात कर दी है, क्योंकि ये बात ना लोग करते नहीं हैं। जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी आपसे जिक्र किया था कि जी वो जुगाड़ तरीके से जो बन रहा है ना, वो भी इस क्लास लिखने से भी होता असल में वही है पीछे, जो मतलब मैं ऑब्जेक्ट ऐसे करली ब्रैकेट करके खुद से हाथ से लिख के बना दूं या मैं क्लास के जरिए बनाऊं, बात एक ही है, सही है। मगर वो जो क्लास करके बनता है ना, ये सिंटैटिक शुगर है। सिंटैटिक शुगर क्या होता है, जैसे फंक्शन हम जब पढ़ रहे थे उस वक्त हमने देखा कि जी एक फंक्शन कीवर्ड करके लगता है और गोल ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, लेकिन एक उसका ES6 वाला जो वर्जन है वो एरो फंक्शन है। अब वो कह रहे हैं कि यार ऐसे गोल ब्रैकेट तो सिर्फ आती फंक्शन में है, तो फंक्शन पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है, वो गोल ब्रैकेट लिखो बस, बना दो फंक्शन, हो गया। तो वो सिंटैटिक शुगर है। अच्छा, अगर हम फंक्शन की कीवर्ड से बनाएं, बनेगा जब भी फंक्शन ही, ठीक है।
अच्छा तो बनेगा जब भी फंक्शन ही, लेकिन वो जो एरो फंक्शन है ना वो जस्ट सिंथेटिक शुगर है। अच्छा सिंथेटिक शुगर क्या होता है कि कोड ऐसा हो कि लिखने वाले को लिखने में मज़ा आए और कोड पढ़ने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे या रीडेबिलिटी उसमें बेहतर हो पहले वाले से, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये जो सिंटैक्स ऐड हुआ है ना ये कोई लैंग्वेज में नया फीचर नहीं आया, ये जस्ट सिंथेटिक शुगर ऐड हुआ है। लैंग्वेज उसी तरह काम करती है अंडर द हुड, छोटी मोटी चीज़ें चेंज हुई हैं और ये सिंथेटिक शुगर है। तो इसने यार ये कहा है कि इंटरेस्टिंगली क्लास डिक्लेरेशन आर जस्ट सिंथेटिक शुगर ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टम टाइप डिक्लेरेशन। अब ये जो बात की है ना इसने पहले, ये कि जो जुगाड़ से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलाते थे हम जावास्क्रिप्ट में, क्लास के कीवर्ड से भी इंटरनली होता यही है, इंटरनली काम यही होता है। अच्छा क्यों कि जब ये वाला ES6 में तो क्लास अब आई है ना, साल डेढ़ साल हुआ है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट का जो क्लेम है वो तो जावास्क्रिप्ट बहुत पहले से करता है। वो तो ये पता नहीं 2013-14 में मैंने चेक किया था जब पहली दफ़ा उसका विकीपीडिया का पेज, तो जब भी उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। तो जी भाई तो उन्होंने अपने हिसाब से तो ना इसकी सपोर्ट उस वक्त ही दे दी थी, लेकिन इस तरीके से दी थी, वो जो स्टैंडर्ड क्लास का और सिंटैक्स था ना वो नहीं दिया था। तो ES6 में वो जस्ट सिंटैक्स ऐड हुआ है, अंडर द हुड काम यही होता है। तो आप इस तरीके से कर लें, यानी खुद से आप हाथ से ऑब्जेक्ट बना के लिख दें जो हम अभी तक करते रहे, या क्लास का कीवर्ड लिख के और वो क्लास वाले कंस्ट्रक्टर से बना लें, बात एक ही है अंडर द हुड। लेकिन क्या उसमें कोई डिफरेंस है, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं। द पर्सन क्लास डिक्लेरेशन एक्चुअली क्रिएट्स अ फंक्शन दैट हैज़ द बिहेवियर ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेथड, विच इज़ वाई टाइप ऑफ पर्सन क्लास गिव्स यू अ फंक्शन। अब कह रहे हैं कि अब क्योंकि अंदर चीज़ तो वही बन रही है जो पहले बनती थी, तो अगर कोई क्लास बनी हुई है कोई, क्योंकि क्लास तो टाइप है इट्सेल्फ तो वो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उस पर आप टाइप ऑफ लगा के, जो टाइप ऑफ का ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में जिससे हम वेरिएबल की टाइप चेक करते हैं कि इसकी टाइप इस वक्त क्या है, तो वो आप लगाएंगे ना तो फंक्शन लिखा हुआ आएगा। हालांकि उसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि जी डेटा टाइप है ये, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ था, वो फंक्शन लिखा हुआ था, क्योंकि अंडर द हुड काम वही हो रहा है जो पहले होता था, वो जुगाड़ वाला जो तरीका था। एज द रिजल्ट ये हो गया। अच्छा द सेम नेम मैथड ऑल्सो एंड अप एज अ मैथड ऑन पर्सन क्लास डॉट प्रोटोटाइप। अच्छा वो जो जुगाड़ी तरीका था उसमें क्या होता था कि फंक्शन बनाते थे लेकिन फंक्शन ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट नहीं बनाते थे, डॉट प्रोटोटाइप करके बनाते थे। तो कह रहे हैं कि इससे भी आप जो बना रहे हो ना मेथड, जितने भी आप लाइन से मेथड बना रहे हो वो जाएगा प्रोटोटाइप में ही, लेकिन आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा, पढ़ने वाले के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। कोई बंदा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बैकग्राउंड से है तो उसको उसके लिए होम फील होगा उसको। अच्छा सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन से नेम एंड पर्सन टाइप डॉट प्रोटोटाइप इन प्रीवियस एग्जाम्पल, दीज सिमिलैरिटीज अलाउ यू टू मिक्स कस्टम टाइप्स एंड क्लासेज विदआउट वरिंग टू मच अबाउट विच यू आर यूजिंग। अच्छा अब ये कह रहा है कि कोई कोड अगर आपके पास ऐसा है जिसमें आपने पहले से कोई कस्टम टाइप बनाई हुई है वो जुगाड़ी वाले तरीके से, फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के तरीके से, तो उस कोड में अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो नई टाइप आप बना रहे हैं वो क्लास वाले तरीके से बना लें तो कोई मसला नहीं है, आप बनाएं बिल्कुल, क्यों कि क्लास से भी बनेगा वही, दोनों को मिक्स करने में कोई इशू नहीं है। तो ये इसने बात यहाँ पे बोल के ख़त्म कर दी ना। अच्छा नोट भी एक छोटा सा लिखा है कि जी क्लास प्रोटोटाइप सच एज पर्सन क्लास डॉट प्रोटोटाइप इन प्रीसीडिंग एग्जाम्पल आर द रीड ओनली, दैट मीन्स यू कैन नॉट असाइन न्यू वैल्यूज टू प्रोटोटाइप दिस। अब वो कह रहा है कि जी अच्छा वो जो जुगाड़ी तरीके से भी हम डॉट प्रोटोटाइप करके डालते थे ना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट डॉट लगा के तो वैल्यूज हम रखते रहे हैं पहले, लेकिन हमने डॉट प्रोटोटाइप करके कुछ नहीं डाला। वो कह रहा है कि डॉट प्रोटोटाइप करके जो एक दफ़ा चीज़ रखवा दो ना वो चेंज नहीं होती, वो रीड ओनली हो जाती है, तो जस्ट उसको इस्तेमाल किया जाता है। हमें लेकिन उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ES6 के दौर में हमने आँख खोली है, तो हम डायरेक्ट जो है ना वो क्लास वाला तरीका पढ़ेंगे, वो जो कस्टम टाइप है और जो आपके जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपके जो स्मार्टर वे वाली बुक में है उसको हमें ज़्यादा देखने की शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जो MCQs बेस्ड टेस्ट होता है आपका यहाँ पे असेसमेंट के लिए वो बुक से ही होगा और उसी बुक से होगा स्मार्टर वे वाली से। ये बुक आपके कोर्स का पार्ट नहीं है जो मैंने अभी आपके सामने खोली हुई है ना, ये बुक आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। वाई क्लास सिंटैक्स कि हम वो जुगाड़ी तरीका छोड़ के जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला और क्लास का सिंटैक्स हम क्यों यूज़ करें, तो वो कह रहा है कि यार डिस्पाइट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन क्लासेज एंड कस्टम टाइप
यू नीड टू कीप सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज इन माइंड. अब ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जब आप क्लास वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, सबसे पहला, क्लास डिक्लेरेशन अनलाइक फंक्शन डिक्लेरेशन आर नॉट होइस्टेड. कौन मुझे बताएगा कि ये होइस्टिंग क्या चीज़ होती है? ये हमने इस क्लास में जिक्र किया है जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे जब. हाँ भाई, जो लोग इस क्लास में पहले से मौजूद थे उनसे सवाल है ये. हाँ भाई, होइस्टिंग फंक्शन बाद में अगर बना हुआ और उसको पहले भी कॉल कर दें तो वो मिल जाता है. ठीक है, क्यों मिल जाता है? क्योंकि जो होइस्टेड आइटम्स जितने भी होते हैं उनको क्या करता है जावास्क्रिप्ट, वो पहले चलाता है, उसके बाद एक्चुअल कोड को चलाता है. तो वो जब एक्चुअल कोड चलता है तो वो फंक्शन पहली लाइन से ही अवेलेबल हो जाता है. तो अच्छा, होइस्टिंग के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर उठाते रहे, लेकिन होइस्टिंग जो है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही होती है. तो अब उसको वो डिस्करेज करते हैं सब लोग कि यार ये मतलब एक एनोमली है, समझ लो जावास्क्रिप्ट के अंदर है. तो मतलब कुछ छोटे मोटे फ़ायदे हैं उसके, लेकिन वो एक्चुअल में वो एनोमली है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में पाई जाती है. और इसकी भी इंस्पिरेशन उन्होंने सी से ली है. सी में होइस्टिंग तो नहीं होती थी, एक और चीज़ होती थी, प्रोटोटाइपिंग कहते थे उसको. शुरू में ही बना देते थे कि यार ये फंक्शन आगे आने वाला है. तो वो उससे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने बोला यार बगैर बताए होइस्टिंग करा दो. सही है, उसमें तो बताने से फिर होता था, इन्होंने बगैर बताए करवा दी उससे इंस्पायर होकर. लेकिन ये है कि अब इसको जो है ना डिस्करेज किया जाता है. तो वो कह रहे हैं कि वो क्लास जब करके बनाते हैं आप, तो उसमें क्या, जैसे ES6 का जो एरो फंक्शन है, एक तो कीवर्ड फंक्शन से लिखते हैं तो वो होस्टेड होता है, लेकिन जो एरो फंक्शन है ना वो होस्टेड नहीं होता. इसी तरह वार करके जो वेरिएबल बनता है वो होस्टेड होता है, होस्टिंग हुई हुई होती है, लेकिन लेट करके जो बनता है उसमें होस्टिंग नहीं होती. तो वो कह रहा है कि आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा ना. ठीक है, वो कह रहा है कि लेट डिक्लेरेशन के तौर पर ही चलता है. सो दे एग्जिस्ट इन द टेम्पोरल डेड जोन अंटिल द एग्जीक्यूशन रीचेज द डिक्लेरेशन. ठीक है, ये टेम्पोरल डेड जोन TDZ करके होता है. एक TDZ एक टर्मिनोलॉजी है. अब मतलब ये इसका कि जब तक वहाँ तक कोड पहुँचेगा नहीं ना, वो क्रिएट नहीं होता वेरिएबल. ठीक है, कोई भी वेरिएबल जब तक वहाँ तक कोड पहुँच नहीं जाता तो वो TDZ में होता है, उसको एक्सेसिबल नहीं होता वो. ठीक है, वो बनता नहीं है, वो मेमोरी में जगह नहीं लेता जब तक वहाँ तक कोड पहुँच ना जाए. ठीक है, जब तक वहाँ पे वो कोई उसका कुछ वजूद नहीं होता. ऑन अदर एंड जो वायर करके वेरिएबल बनता है वो पहली लाइन में ही क्या होता है, वो मेमोरी में जगह ले चुका होता है. पहली लाइन में कोड पहुँचा, वो मेमोरी में बन के तैयार है. अच्छा, इसी तरह कुछ और भी वो बता रहा है कि जी ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट मोड में चलता है. स्ट्रिक्ट मोड में क्या होता है जी, कि आपने ना जावास्क्रिप्ट में ES5 की बात अगर हम करें तो उसमें क्या होता है कि जी आपने लेट भी नहीं लिखा, वार भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट आपने लिखा A=5, तो वो ए वेरिएबल बन जाता है. लेकिन स्ट्रिक्ट मोड में ना इस तरह की वाहियात चीज़ें ये करने नहीं देता, आपको एरर देता है. जैसे आपको याद होगा हमने फॉर इन का लूप लगाया था पिछली क्लास में, पिछली कुछ क्लासों में, तो वो लेट ना होने की वजह से ना उसने एरर मार दिया खुद ही. ठीक है, हालांकि ES5 में वो एरर नहीं होता है, लेकिन वो ES5 में वो था ही नहीं फॉर इन, वो आया ही ES6 में. तो उसमें शायद बाई डिफ़ॉल्ट उन्होंने ये रखा है कि जी आप जब तक लेट करके नहीं दोगे ना तो जब तक होगा नहीं. तो वो स्ट्रिक्ट मोड बाई डिफ़ॉल्ट है. अच्छा, इसी वेरिएबल नहीं बनता, और भी एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो वाहियात चीज़ें वो हो जाती थी पहले, तो अब उसको उन्होंने रोक दिया कि नहीं जी इस तरह नहीं करें आप, इस तरह करने से बाद में इनकन्वीनियंस होगा. अच्छा, अब ये एक चीज़ होती है जी, वो एक तो प्रोटोटाइप करते हैं और दूसरा ना डिफाइन प्रॉपर्टी करके काम करना होता है जिससे वो नॉन न्यूमरेबल बन जाता है. जो ई न्यूमरेबल क्या होता है कि जिस पर लूप चल सके, और एक नॉन ई न्यूमरेबल होता है जिस पर लूप नहीं चल सकता. तो वो उसको बनाना पड़ता था, ये कह रहा है इसमें बाई डिफ़ॉल्ट यही होता है. अभी इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये है क्या चीज़, बस बाई डिफ़ॉल्ट यही होता है. लोग इसको पहले करते थे, लेकिन अब बाई डिफ़ॉल्ट यही है क्लास वाले सिंटैक्स में. और इसी तरह की कुछ और भी चीज़ें बता रहा है ये आप अलग से चाहें तो पढ़ सकते हैं. ठीक है, अच्छा, न्यू करके अगर ना बनाए तो भी एरर थ्रो करता है. वो पहले वाले में शायद नहीं करता था ये. अगर न्यू ना लिखें तो एरर देता है कि जी यार न्यू तो लिखो, न्यू लिखना भूल गया. अच्छा, विथ ऑल ऑफ दीज डिफरेंसेज इज माइंड, पर्सन क्लास डिक्लेरेशन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इज डायरेक्टली इक्वेलेंट टू द फॉलोइंग कोड विच डज नॉट यूज क्लास सिंटैक्स. अब कह रहा है कि अगर आपको ना वही जो क्लास से चीज़ बनाई है, अगर आपको बनाना पड़ेगा किससे, फंक्शन वाले जुगाड़ से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लगानी होंगी जो लगाते हैं एक्सपीरियंस डेवलपर, ये सब लगा के ही बनाएंगे अगर ये वाला तरीका करते हैं. तो आप देखें स्ट्रिक्ट मोड इन्होंने अलग से मैंशन किया हुआ है यहाँ पे,
जो कि जावास्क्रिप्ट में मेंशन कर सकते हैं ऑब्वियसली ES6 के अंदर, ES5 में भी कर सकते हैं ये स्ट्रिक्ट मोड। अच्छा, इसी तरीके से देखें फंक्शन इसने कॉन्स्टेंट करके बनाया है और बगैर उसके कीवर्ड के, बगैर नेम्ड फंक्शन के बनाया है ताकि होस्टिंग ना हो जाए इसकी। अच्छा, और ये इन्यूमरेबल फॉल्स करके बनाया है, राइटेबल ट्रू करके बनाया है, कन्फिगरेबल ट्रू करके बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी करके जो है ना इन्होंने ये सारा काम किया है। तो ये थोड़ा सा मज़ीद मुश्किल हो गया है समझने के अतबार से। तो वेल, अगर किसी को ये वाली चीज़ नहीं पता तो उसको ना देखे, क्लास वाले को देखे सीधा सीधा। अब ये पूरा डिफरेंसेस बता रहा है कि जी फर्स्ट नोटिस के जी वो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, वहाँ पे हमने वो लगा दिया, ये पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहा है उस कोड को। अच्छा जी, कॉन्स्टेंट क्लास नेम्स यहाँ पे एक बात की है इसने, कह रहा है क्लास नेम इज ओनली कॉन्स्टेंट इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। दैट मीन्स यू कैन ओवरराइट द क्लास नेम आउटसाइड ऑफ द क्लास बट नॉट इनसाइड द क्लास मेथड। अच्छा, अब क्लास का जो नाम है, जैसे वेरिएबल होता है कोई, अब मैंने बनाया अभी वेरिएबल लेट ए इक्वल्स टू 5। अब अगली लाइन में लिखूंगा ना जब मैं कि लेट ए इक्वल्स टू कराची, तो वो 5 हट जाएगा, कराची आ जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि ये काम क्लास में भी हो जाएगा। अगर आपने ये फू के नाम से क्लास बनाई हुई है ना, आपने बनाया क्लास और फू, तो ये फू के नाम से क्लास रजिस्टर हो गई। हमने बनाया था बुक, तो अगर मैं नीचे आके लिख दूंगा ना यहाँ पे कि बुक इक्वल्स टू कराची, तो वो क्लास गायब हो जाएगा, वो क्योंकि जाहिर है वो तो एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है इस वक्त यहाँ पे, लेकिन अंदर नहीं कर सकते आप क्लास के। ये खैर अंदर करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बाहर ये जो है ना नॉर्मल एक वेरिएबल की तरह ये ट्रीट होगा, किसी उसको ओवरराइड किया जा सकता है। अच्छा जी, क्लास एक्सप्रेशन। अब ये एक तो इसने ऊपर क्लास की एक बेसिक डिक्लेरेशन बताई थी ना, अब ये ज़रा बता रहा है कि जी वो क्लास को बना रहे होंगे, जब हम क्लास को जब डिक्लेयर कर रहे होंगे तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें और क्या क्या हो सकती हैं, वो ज़रा यहाँ पे बात डिस्कस हो रही है। क्लासेस आर फंक्शंस आर सिमिलर इन द वे टू फॉर्म्स, डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन। अब कह रहा है कि वो जो इससे थोड़ी देर पहले इसने जिक्र किया था कि जी क्लासेस ना असल में फंक्शन है, जब क्लास लिखते हैं तो टाइप ऑफ करके देखते हैं तो फंक्शन मिलता है पीछे। कह रहा है कि दो तरीके से ना ये सिमिलर हैं उस फंक्शन से, ये अपनी उसी मजीद उस बात को अपने मजबूत करने के लिए दो सिमिलैरिटीज़ बता रहा है, क्लास की और फंक्शन की दो सिमिलैरिटीज़ बता रहा है। फंक्शन एंड क्लास डिक्लेरेशन बिगन विथ एन अप्रोप्रिएट कीवर्ड फंक्शन और क्लास। कह रहा है फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन का कीवर्ड लिखोगे, क्लास बनाओगे तो क्लास का कीवर्ड लिखोगे, फॉलोइंग बाय एन आइडेंटिफायर। अच्छा, और इस कीवर्ड के बाद उसका नाम भी लिखोगे आप, यानी फंक्शन है तो फंक्शन और ABC फंक्शन का जो भी नाम है आपका, या अगर क्लास लिखोगे तो क्लास और बुक जो हमने बनाई थी लास्ट, तो बुक लिखोगे आप, आइडेंटिफायर होगा। अच्छा, दूसरा, फंक्शन हैव एन एक्सप्रेशन फॉर्म दैट डज नॉट रिक्वायर एन आइडेंटिफायर आफ्टर फंक्शन। अच्छा, अब कह रहे हैं कि फंक्शन जो है ना, जो एनोनिमस हम बनाते हैं, एक तो नेम्ड फंक्शन होता है, हमने चार तरह के फंक्शन इस क्लास में डिस्कस किए हैं जावास्क्रिप्ट में जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, तो एक तो उसमें से था नेम्ड फंक्शन जो कि होस्टिंग होती है जिसकी, एक था एनोनिमस फंक्शन, उसमें हम जस्ट फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं बट नाम नहीं लिखते। किसी ने अगर वो फंक्शन वाली क्लास मिस कर दिया तो उसकी वीडियो मौजूद है, बैच 9 करके प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाके वो देख सकता है उसको। तो वो चार तरह के जो फंक्शन हम किए थे ना हमने, तो ये उसी फंक्शन को ना कह रहा है कि यार एक्सप्रेशन फॉर्म कह रहा है उसको, एनोनिमस फंक्शन कहने के बजाय यहाँ पे एक दूसरे नाम से इसको पुकार रही है, कह रहा है कि वो एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। एक्सप्रेशन फॉर्म में क्या होता है कि जस्ट फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं लेकिन फंक्शन का नाम नहीं लिखते, लेकिन फिर ऐसे फंक्शन के लिए बस ज़रूरी होता है कि मैं उसको वेरिएबल में सेव करूँ, अदरवाइज वो गायब हो जाता है। फिर अगर ऐसे फंक्शन को मैंने जस्ट बना के छोड़ दिया और उसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया एनोनिमस फंक्शन को, तो वो गायब हो जाता है फिर, ठीक है। उसको फंक्शन को वेरिएबल में सेव करना ज़रूरी है। तो कह रहा है कि जी क्लास में भी ना ऐसे ही एक एक्सप्रेशन फॉर्म मौजूद है दैट डज नॉट रिक्वायर एन आइडेंटिफायर, ठीक है। ये बात समझ आई सब लोगों को, ये बात हुई है जो मैं अगर वापस कोड में आके इसको ज़रा कोड में, यार कहाँ चला गया कोड गायब हो गया। अच्छा जी, कोड मैं ज़रा खोल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ।
था, यही था ना ES6 क्लास था ये। अब वो जी कह रहे हैं कि एक तो ये बनता है कि फंक्शन और फू मैंने नाम रख दिया फंक्शन का, कोई भी नाम रख सकते हैं, सही है। ये फंक्शन जब चलेगा तो क्या होगा, इस लाइन को ये प्रिंट कर देगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है नेम्ड फंक्शन, सही है। और इसमें होस्टिंग भी परफॉर्म होती है, और ये ES5 का है प्योरली, ES6 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ES5 में ही एक दूसरा तरीका होता है फंक्शन का, जिसमें आप सिर्फ फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, और इसमें भी आपने ये एक लाइन प्रिंट करा दी अंदर। अब ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन है ये, सही है। और बुक में इसको ये कह रहा है कि जी ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर्म है, यानी एक्सप्रेशन वाली किस्म है फंक्शन बनाने की। अच्छा, लेकिन ऐसे फंक्शन में आप देखें एरर आ रहा है, वो कह रहा है यार ये क्या बनाया आपने, तो इसमें ज़रूरी होता है कि मैं लेट ए करके ना ऐसे किसी वेरिएबल में इसको फौरी तौर पे किसी वेरिएबल में डाल दूँ या किसी फंक्शन में पास कर दूँ हाथ के हाथ, अदरवाइज़ ये फिर फंक्शन पकड़ में ही नहीं आएगा, ठीक है। लेट ए में जो एरर यूँ दे रहा है, अच्छा कह रहा है कि वो ए के नाम से तो पहले बना हुआ है, तो इसको मैं जी कर देता हूँ, सही है। वो ए के नाम से ऊपर भी कोई वेरिएबल बना हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे कह रहा था कि भाई ये पहले से बन गया। तो अब ये इस तरह का एक फंक्शन मौजूद है। तो अभी जो हमने क्लास बनाई है, अभी आप देखें क्लास हमने जो बनाई है वो क्लास और बुक बनाया है, तो वो कह रहे हैं कि ये बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर ये बुक नहीं लिखोगे तो फिर फौरी तौर पे इसको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, अपसेट है, सही है। तो एक्सप्रेशन फॉर्म भी मौजूद है, मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। ये बात आई होप समझ आ गई होगी सब लोगों को। अच्छा जी, तो ये एक्सप्रेशन करके ना इन्होंने देखें इसी तरह किया है, लेट पर्सन क्लास इक्वल्स टू क्लास, और अंदर सारी बातें वही हैं, तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसी तरीके से क्या हो सकता है, कोई नेम्ड फंक्शन नेम्ड क्लास है ना, उसको भी हम किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वापस हम उसी फंक्शन वाली एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये जो फंक्शन वाली एग्जाम्पल है, अब बावजूद इस फंक्शन को मैंने फू का नाम दे दिया है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ मुझे अभी भी अलाउ है कि मैं क्या करूँ, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, ऐसे कर लूँ। अब क्या होगा, अब ये फू के नाम से कॉल करूँगा जब भी यही फंक्शन आएगा, एबीसी के नाम से कॉल करूँगा जब भी यही फंक्शन आएगा, ठीक है, ये दो नाम से रजिस्टर होगा ये फंक्शन। अच्छा, या मैं ये भी कर सकता हूँ और एक और भी काम कर सकता हूँ, मैं एक और भी काम कर सकता हूँ कि लेट एबीसी इक्वल्स टू फू, ये काम भी कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, ये फू उठ के कहाँ चला जाएगा, ए बी सी में, तो ए बी सी कॉल करूँ या फू कॉल करूँ एक ही चीज़ कॉल होगी, ठीक है। तो कह रहा है ये काम ना फंक्शन में हो सकता है, ये क्लास में भी हो सकता है। अब देखें ये उन्होंने करके यहाँ पे बताया, इसने कहा क्लास, क्लास का नाम, और इस पूरे को फिर उठा के एक वेरिएबल में भी डाल दिया, तो मैं इससे बनाऊँ वेरिएबल या इससे बनाऊँ वेरिएबल, बात एक ही है, ठीक है। ये जस्ट छोटी छोटी वेरिएशन हैं जो मौजूद हैं वो बता रहा है, दैट्स इट। कोई इतनी ये रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है जिसमें आपको ना ज़्यादा मतलब इसमें आपको दिमाग लगाने की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहा है डायरेक्ट इक्वेलेंट ना, ये जुगाड़ी तरीके को अभी बता रहा है, लेकिन ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने देखना ही नहीं है ना, हमने तो डायरेक्ट क्लास वाला पढ़ना है। अच्छा जी, क्लासेस एज फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, कौन मुझे ये बताएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन किस चीज़ को कहते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास सिटीजन का क्या मतलब होता है? ये हमने फंक्शन जब पढ़ रहे थे इस क्लास में उस वक्त हमने ये बात डिस्कस की थी, अगर कोई बता पाए जी। एक और है, दोस्त ने बिल्कुल सही बताया कि कोई ऐसी चीज़ जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास सिटीजन उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को वेरिएबल में स्टोर कराया जा सके, किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास किया जा सके, और किसी फंक्शन से एज अ रिटर्न वैल्यू रिटर्न करवाया जा सके,
ये तीन क्वालिटीज जिस चीज़ में मौजूद है ना उसको हम फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं। जैसा कि नंबर, नंबर को वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, नंबर को किसी फंक्शन में पास भी कर सकते हैं और किसी फंक्शन से एज अ पैरामीटर, एज अ रिटर्न वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्लास सिटीजन है। ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना ये सारे फर्स्ट क्लास होते हैं। अच्छा, फंक्शन जो है ना वो, क्योंकि मैंने फंक्शन वाले टॉपिक पढ़ाते हुए ये बात जिक्र की थी, क्योंकि फंक्शन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होता है। जैसे सी लैंग्वेज, मैंने जो पहली लैंग्वेज पढ़ी वो सी लैंग्वेज थी, तो सी लैंग्वेज में फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होता है, सही है। इवन उसमें एरे भी फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होता, एरे भी उसके अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होता है। एरे को किसी आप फंक्शन में पास नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें एक अपने उनके तरीके हैं कुछ डिफरेंट। उसमें क्या करते हैं जी, वो जहाँ मेमोरी में सेव हुआ वो उसका एड्रेस निकालते हैं, वो एड्रेस फंक्शन को देते हैं नंबर की सूरत में, और फिर फंक्शन क्या करता है उसको दोबारा जाके वहाँ से वैल्यू को उठाता है और फिर काम होता है। तो थोड़ा लंबी कहानी होती है, एफिशिएंसी उसमें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट है वो, यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। बहरहाल जावास्क्रिप्ट मेरा ख्याल है कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, वो जो थोड़ा लिखने में बहुत मुश्किल है लोग इसलिए भागते हैं उससे थोड़ा। तो जी फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब ये है। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट में हमने क्या देखा कि फंक्शन भी फर्स्ट क्लास सिटीजन है, और अब यहाँ पे इसने बुक में ये बात बता दी है कि जी क्लास भी फर्स्ट क्लास सिटीजन है। अच्छा, कह रहा है कि जी इन प्रोग्रामिंग फर्स्ट क्लास सिटीजन इज़ अ वैल्यू दैट कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन, रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन वैल्यू एंड असाइन टू अ वेरिएबल। ये तीन क्वालिटीज़ इसने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो अब मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से किसी ने भी ये बुक पढ़ी नहीं है। अगर जब मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये बुक आप पढ़ कर आइएगा, तो किसी ने भी नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि वो तीन क्वालिटी सीधी सीधी इसने यहाँ लिखी हुई है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दी कि जी है ये। ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास फंक्शंस भी कह सकते हैं, सिटीजन्स भी कह सकते हैं। दे आर पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक। अच्छा जी, तो ये तो पीछे की इसने रिकैप कर दिया। ECMAScript 6 कंटिन्यूज दिस ट्रेडिशन बाई मेकिंग क्लासेज फर्स्ट क्लास सिटीजन एज वेल। ये जो क्लास के कीवर्ड से आप बनाएंगे ना, जो 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 अपनी डेटा टाइप आप क्रिएट करेंगे, वो एक तो उससे बनेगा डेटा वेरिएबल में, लेकिन वो टाइप इटसेल्फ फर्स्ट क्लास है। अच्छा, वो फर्स्ट क्लास होने का सीधा सा रीज़न है क्योंकि बिहाइंड द सीन तो वो फंक्शन है, बिहाइंड द सीन तो वो क्लास तो कोई चीज़ है नहीं ना, वो तो सिर्फ सिंथेटिक शुगर है। बिहाइंड द सीन तो फंक्शन है, तो फंक्शन फर्स्ट क्लास होते हैं तो क्लास भी फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें क्या किया इसने। अच्छा, यहाँ पे इसने ये पुराना वाला तरीका बताया, लेकिन यार ये क्या किया इसने, बात ऊपर कुछ और की है नीचे कुछ और कर रहा है। अलाउइंग यू टू क्लासेज मैनी डिफरेंट वेज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन पास देम इन टू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। तो भाई क्लास है किधर जिसको फंक्शन में पास कर दिया है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे समझ आ गया। वो क्लास ये जो बना हुआ है इसको इन्होंने लिखा है क्लास डेफिनेशन। आप ये कह रहे हैं एज्यूम कर लें कि एक क्लास बनी हुई है किसी जगह पर, एज्यूम कर लें कि ये क्लास एक बनी हुई है किसी जगह पे। अभी वो नहीं बताया कि क्लास का नाम है क्लास डेफ। अच्छा, ये है फंक्शन मेरा। अब फंक्शन में मुझे ये एज अ पैरामीटर रिसीव हुआ है, फंक्शन में मुझे क्या हुआ है ये एज अ पैरामीटर रिसीव हुआ है। अच्छा, मैंने क्या किया, न्यू और क्लास डेफ बना के ना इसका एक नया इंस्टेंस बनाया, यानी इस क्लास के टाइप का एक वेरिएबल तैयार किया और उसको डायरेक्ट रिटर्न करवा दिया। तो ये काम इसमें पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर एक फंक्शन को मैंने कॉल, अच्छा ये देखें, अब ये फंक्शन यहाँ पे, ये तो फंक्शन की डिक्लेरेशन है, कॉल ये फंक्शन हो रहा है इधर। अब आप देखें फंक्शन को कॉल करते हुए ना, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट करके एक फंक्शन है, इसको कॉल करते हुए इसके अंदर यहाँ पे क्लास को डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये क्लास को डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दे दिया इन्होंने, तो वो चल गया, सही है। खैर ये अब मेरा ख्याल है इस तरह की कारीगरियाँ करने की ज़रूरत नहीं है सीधे, यानी शुरू शुरू में बेहतर ये है कि सीधे सीधे तरीके से काम करे बंदा, ठीक है। वेल, इसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट देनी थी कि फर्स्ट क्लास है, तो इसने ये थोड़ी टिपिकल सी एग्जांपल बनाई है। इस तरह का काम आमतौर पर मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ना करने की, लेकिन इससे हमें बात ये पता चली कि कोई बनी हुई क्लास है
या क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी न्यू करके जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका। अच्छा, अब हम ना वो नहीं बोलेंगे कि जी डेटा टाइप और उसका डेटा टाइप से बना हुआ है, अब ये नहीं बोलेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, क्लास और क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम ये टर्मिनोलॉजी तो जाहिर है यही है ना जो इस्तेमाल हो रही है सब जगह। तो हम कहेंगे कि क्लास, क्लास का मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या है, और क्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसको हम क्लास का इंस्टेंस भी कहते हैं, जो न्यू करके हम वेरिएबल बना रहे हैं ना उस डेटा टाइप का नया, उस न्यू करके जो चीज़ बनती है उसको हम क्लास का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या उसका जो प्रॉपर नाम है वो क्लास का इंस्टेंस कहते हैं उसको, कि जी ये कौन सी क्लास का इंस्टेंस है। अच्छा जी, ये पर्सन क्लास का इंस्टेंस है, या ये बुक के नाम से जो क्लास थी उसका इंस्टेंस है। अच्छा जी, एक्सेसर प्रॉपर्टी। ऑल्दो यू शुड क्रिएट योर ओन प्रॉपर्टीज इनसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लासेस अलाउ यू टू डिफाइन एक्सेसर प्रॉपर्टी ऑन द प्रोटोटाइप। टू क्रिएट गेटर, यूज की गेट फॉलोड बाई अ स्पेस फॉलोड बाई आइडेंटिफायर। टू क्रिएट अ सेटर, डू द सेम थिंग विद सेट कीवर्ड। अब देखो चक्कर क्या है कि इमेजिन करो कि एक बुक है, बुक के हमने जो टाइप बनाई थी, अब बुक की जो टाइप है ना उसके अंदर हमने रखी थी तीन प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमने रखी थी तीन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैं उसमें दो प्रॉपर्टी और ऐड करता हूँ। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, दो प्रॉपर्टी और ऐड करता हूँ। मिसाल के तौर पे उसमें मैंने ऐड कर दिया कि कीमत ख़रीद, परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो बातें मैंने लिख दी। ठीक है, और भी तीन चार तरह का लिख दिया, मैंने लिख दिया कि मेरा कमीशन इसमें कितना है, वो सारा एक ही वेरिएबल में सेट हो रहा है। अच्छा, लेकिन अब जब उसके ऊपर किया जाएगा ना कि बुक डॉट गेट प्राइस, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे वो प्राइस मिलनी चाहिए जो मेरे लिए, क्योंकि मैं एज अ कंज्यूमर जो कर रहा हूँ मुझे वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए मेथड बना देते हैं, है ना। एक तो डॉट डॉट लगा के वो सारी प्रॉपर्टी एक्सेस होगी, लेकिन मैं क्या बना देता हूँ, मैं मेथड बना देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मेथड कॉल करो आप, तो इससे आपको वही वाली चीज़ मिलेगी। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज़ होती है गेटर और सेटर, कि जी मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट को, यानी जो उस डेटा टाइप से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जब उसको आप गेट करेंगे ना, तो आपको कुछ और चीज़ मिलेगी, अंदर जो चीज़ है वो नहीं मिलेगी, आपको गेटर मिलेगा, गेटर वाली चीज़ मिलेगी। और जब आप उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो सेटर वाली चीज़ में जाके वो खुद ही सेट हो जाएगा अंदर। मिसाल के तौर पे आप जब ये बात करते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू फाइव, तो वो फाइव ए में जाके कैसे सेव हो जाता है। अच्छा, ए के अंदर मैं आपको बताऊँ, वो फाइव नहीं है सिर्फ, और भी चीज़ें हैं, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट कराता हूँ तो फाइव प्रिंट होता है, और तो कोई चीज़ प्रिंट नहीं होती, लेकिन उसके अंदर है और भी चीज़ें। मिसाल के तौर पे ये चीज़ है कि वो ए जो मेमोरी में कहाँ सेव है, उसका एड्रेस सेव है, उसी ए में मौजूद है वो। अच्छा, और उसी ए में ये भी मौजूद है कि ये क्या कहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट है या ये इंटीजर है। मिसाल के तौर पर, क्योंकि नंबर तो दो तीन तरह के होते हैं, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर है, और उसमें पॉइंट के बाद कितने प्रिसिशन है, इस तरह की, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी उसके अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, ज़ाहिर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो थोड़ा अलग तरह से चलता है, और नहीं मगर इसमें तो खैर फ्लोटिंग पॉइंट ना भी लगाएं तो फ्लोटिंग पॉइंट ही रहता है। वेल, आई एम डैम श्योर कि उसमें छोटी मोटी और चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो गेटर सेटर की वजह से ना। तो ये गेटर सेटर, अब देखें इसको मज़ीद, अब यहाँ पर इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। इन दिस कोड द कस्टम HTML एलिमेंट इज़ अ क्लास। अब कह रहा है क्लास बनी हुई है, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी क्लास बनी हुई बुक के नाम से। इज मेड एज अ रैपर अराउंड द एग्जिस्टिंग डॉम एलिमेंट, इट हैज़ गेटर एंड सेटर ऑफ HTML डेलीगेट्स, द इनर HTML मेथड ऑन द एलिमेंट। दिस एक्सेसर प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड ऑन कस्टम HTML डॉट प्रोटोटाइप, जस्ट लाइक एनी अदर मेथड वुड बी क्रिएटेड एज अ नॉन न्यूमरेबल, द इक्वेलेंट क्लास कोड इज दिस दिस दिस। वेल, अब ये इक्वेलेंट क्लास कोड जो बताया इसने वो तो और ही कोई वाहियात किस्म का है, लेकिन बस आप ये समझ लें कि इस वेरिएबल, ये जो इसका जो वेरिएबल बनेगा,
इसको जब भी मैं गेट करूंगा तो वो मुझे गेट वाला फंक्शन चलेगा और इसमें से जो भी चीज़ निकलती है वो मुझे मिल जाएगी, और जब भी मैं इसमें कोई इक्वल टू करके वैल्यू डालूंगा तो जो सेट वाला फंक्शन चलेगा उसमें ये वैल्यू इधर मिलेगी मुझे, और उसको मैं इस ऑब्जेक्ट में किसी भी जगह सेट करा दूँ, मेरी मर्जी है वो, ठीक है। अच्छा, सेटर का एक और भी बेनिफिट होता है कि सम टाइम जब कोई वैल्यू सेट होती है ना, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि बुक इक्वल्स टू करके जब कोई वैल्यू उसमें डाले, अब ये बुक कौन सा वाला है, ये इंस्टेंस है क्लास का, ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये क्लास का इंस्टेंस है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, डॉट डॉट करके तीनों एक्सेस होती है, लेकिन कोई बुक इक्वल्स टू करके डाले तो वो किस में जाके सेव हो, नेम में जाके सेव हो जाए या ऑथर में जाके सेव हो जाए, भाई लिखा उसने बुक इक्वल्स टू हैरी पॉटर, हालांकि बुक डॉट नेम करके हैरी पॉटर मिलता है और बुक डॉट ऑथर करके उसके ऑथर का नाम मिलता है, बुक डॉट जॉनरे करके जॉनरे मिलता है। अच्छा, लेकिन बुक डॉट नेम इक्वल्स टू करके डालेगा तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लास में इस तरह से वैल्यू नहीं डाल सकते आप, क्लास जो क्लास का इंस्टेंस होता है ना उसको रीड तो करेंगे आप डॉट नेम करके, लेकिन उसको सेट कराने के लिए कोई मेथड का इस्तेमाल होगा जो प्रॉपर उसका तरीका है, आप एक मेथड कॉल करेंगे कि जी सेट ऑथर नेम, है ना, बुक का जो भी नाम आपने वेरिएबल का रखा है वो वेरिएबल का नाम डॉट सेट ऑथर नेम उसमें डाल के आप पास करेंगे। लेकिन किसी ने अगर ये किया कि बुक इक्वल्स टू हैरी पॉटर तो वो कहाँ जाके सेव हो, तो वो मैं सेटर में यहाँ पे पहले बता दूंगा कि जी इधर जाके सेव हो, ठीक है। गेटर सेटर जो एक इंपॉर्टेंट पिलर है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ये काफ़ी कसरत से इस्तेमाल होता है, तो अब इसमें मज़ीद ज़्यादा गहराइयों में जाए बगैर इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इंशाल्लाह जब आप ये कोड करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी, और हमारी कोशिश ये होगी कि अब जो हम मज़ीद आगे कोड लिखें उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करें, बावजूद इसके कि हम जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट का वो पूरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे बेस करता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस नहीं करता है। हम जो सर्वर लिखेंगे एक्सप्रेस का वो पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे बेस करता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बेस नहीं करता, कम्युनिटी सारी फंक्शनल पे चल रही है, लेकिन सेठ जोर लगा रहा है कि इस पे आना है, ठीक है, गूगल पैसा लगा रहा है कि इस पे आना है, माइक्रोसॉफ्ट पैसा लगा रहा है कि इस पे आ जाए किसी तरह, टाइपस्क्रिप्ट पूरी खड़ी कर दी माइक्रोसॉफ्ट ने इसी चक्कर में, और वो फेल भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी पैसा लगा रहा है भाई, वो अभी भी वो टाइपस्क्रिप्ट को दोबारा रिवाइव करने के पीछे लगा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहा माइक्रोसॉफ्ट, और सारा चक्कर क्या है कि भाई किसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आ गए। जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे लाने के लिए ना मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज पैसा लगा रही है, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी होती है ना, जैसे कि आपका जो गूगल वूगल है, जैसे एप्पल है, अमेजोन है, ये तो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हो गई हैं, तो इस तरह की कई कंपनीज ऐसी हैं ना जो पैसा लगा रही हैं इस चीज़ पे कि किसी तरह जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आ जाए, ठीक है, और कम्युनिटी के जो बच्चे हैं हमारे वो बजिद हैं वो खींच के वापस लाते हैं, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट यार हमें रेडी होना चाहिए ना, हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि जी अब मे बी कम्युनिटी राज़ी हो जाए, क्योंकि फौरी तौर पे अभी आपकी तो नहीं चलेगी, हाँ अगर आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में आपका कोई रोल बन जाएगा इंशाल्लाह आज से 10 साल या 5 साल बाद, तो फिर आप कहेंगे जी जो मेरी लाइब्रेरी, आपने अगर कोई लाइब्रेरी लिखी है खुद, आप कहेंगे नहीं जी मैं जो लाइब्रेरी ना मैं तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दैट्स इट, तो फिर आपका जो है ना एक उस इतने सारे लोगों में कम्युनिटी में आप भी एक होंगे जिसकी वजह से वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में स्टक होगी दुनिया, लेकिन अभी फौरी तौर पे तो यार आपने इंटर्नशिप करनी है ना, तो अगर इमेजिन करें कि कल को ये कम्युनिटी राज़ी हो जाती कि यार चलो सही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आप उसके लिए ये आपको छोटी मोटी चीज़ें तो मसला ना करें ना यार, आपको ऐसा था ना होना क्लास का पता ही नहीं है, तो ये इसलिए मैं ये सारी बातें पढ़ा रहा हूँ आपको। वेल सॉरी, नहीं नहीं मैं देखो जैसे एक सादा ऑब्जेक्ट होता है ना, जो वेदर ऐप के टाइम पे हमने सादा ऑब्जेक्ट किया था, उसमें क्या होता था कि जी एक ऑब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट सब्जेक्ट डॉट टीचर है, तीन है ना। अच्छा, मैं अगर स्टूडेंट इक्वल्स टू कराची कर दूँ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ख़त्म, वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा ना, वो स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना उसमें ये नहीं होगा, उसमें ये फंक्शन गेटर सेटर अगर बना हुआ है तो वो चलेगा, सही है। अच्छा, गेटर सेटर को कॉल कैसे करते हैं ज़रा वो भी हम देख लेते हैं अभी, ये ज़रा इसको MDN पे भी तो देखें ना।
असल में गेटर सेटर जो मैंने लास्ट पढ़ा था वो मैंने सी प्लस प्लस पे पढ़ा था, तो आई एम नॉट श्योर कि थोड़ा सा सिंटेक्स का चेंज होगा इसमें, तो इसलिए मैंने कहा यार एमडीएन पर ज़रा एक नज़र मार लें हम। गेटर सेटर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि भाई ज़्यादातर जो मैंने काम किया वो फंक्शनल पे किया है, तो चूंकि यार जो चीज़ आपके उसमें नहीं रहती ना, प्रैक्टिस में नहीं रहती, तो वो फिर बंदा वैसे ही भूल जाता है फिर। अच्छा इसमें सेटर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये देखो एक क्लास बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है गेट मैसेज और सेट मैसेज, एक ही नाम से दो मेथड बने हुए हैं, लेकिन गेट करने में अलग चलता है, सेट करने में अलग चलता है। अब यहाँ पे देखें ये क्या किया हुआ है इसने, कॉन्सोल पे जब प्रिंट करवाया है इंस्टेंस डॉट मैसेज, तो प्रिंट जब होते हुए कौन सा चला है, वो गेटर वाला फंक्शन चला है, और वहाँ से जो चीज़ प्रिंट हुई है ना वो यहाँ पे आगे प्रिंट हुई है, और जब उसी को इसने कहा कि इंस्टेंस डॉट मैसेज इक्वल्स टू केक, तो डॉट मैसेज इसमें भी लगा है लेकिन इसमें सेटर वाला फंक्शन चला है। तो ये इन्होंने कोड एग्जांपल लिख के बता दिया है कि जी ये इस तरह होगा। तो होपफुली हम कोशिश करेंगे कि कोई अब नेक्स्ट कोई जब प्रोग्राम यहाँ पे करें ना क्लास में कोडिंग करें, तो उसमें एक कस्टम टाइप ना इस तरह की बना के उसमें ज़रा करके देखें ये सारी चीज़ें। अभी तो वो इमेजिनरी होगा जो भी हम लिखेंगे फौरी तौर पर, अभी ये सारी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ। अच्छा जी, जनरेटर फंक्शन हमारे काम की चीज़ नहीं है फिलहाल के लिए। स्टैटिक मेंबर हमारे काम की चीज़ है। स्टैटिक मेंबर क्या होता है कि जी एक तो जैसे बुक के हमने क्लास की मिसाल ली थी कि जी बुक का जब भी मैं नया इंस्टेंस बनाऊंगा बुक का, मैं कोड में आ जाता हूँ ज़रा इसको उड़ा देते हैं। देखें ये मेरे पास क्लास है ना, बुक के नाम से क्लास है मेरे पास ये। अच्छा जब भी मैं इसका नया इंस्टेंस बनाऊंगा तो मैं क्या दूंगा उसको, ये हैरी पॉटर और ये तीनों वैल्यू मैं इसको दोबारा से दूंगा, तीनों वैल्यू इसको मैं दोबारा से दूंगा। अच्छा स्टैटिक मेंबर में क्या होता है अब वो आप देख लें ज़रा गौर से। एडिंग मेथड डायरेक्टली ऑन टू कंस्ट्रक्टर टू सिमुलेट स्टैटिक मेंबर इज अनदर कॉमन पैटर्न इन ECMAScript 5 एंड अर्लियर, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब वो कह रहा है कि जी वो फंक्शन करके जो बनाते थे ना जुगाड़ करके, उसमें एक स्टैटिक मेंबर डालने का भी तरीका था। अब वो हम उसको नहीं देखते जो ये पुराना तरीका बताया है, हम डायरेक्ट ये देखते हैं क्लास वाला। अच्छा तो ये कह रहा है कि जी वो आपने क्या करना है, स्टैटिक का कीवर्ड साथ में उसके ऐड कर देना है। मेथड की तरह बिल्कुल बनेगा ये लेकिन स्टैटिक करके बनेगा ये। अच्छा इस स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इस स्टैटिक का मतलब ये होता है, अभी इसको कहीं पे इन्होंने कॉल करके नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया है ना ये रहा। हाँ स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अब देखो बी डॉट नेम मैंने प्रिंट करवाया, सही है, बी डॉट नेम मैंने प्रिंट करवा दिया। अब ये बी डॉट नेम तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ लेकिन मैं क्या प्रिंट नहीं करवा सकता, मैं बुक डॉट नेम प्रिंट नहीं करवा सकता, क्योंकि बुक क्या है, बुक तो एक डेटा टाइप है ना, बुक के अंदर डॉट नेम तो अभी है ही नहीं, क्योंकि जब इसका वेरिएबल बनेगा है, जब इसका इंस्टेंस बनेगा तो जब होगा ना ये, तो और इंस्टेंस बनते हुए ये तीनों प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी जब ही तो बनेगा इंस्टेंस। अच्छा लेकिन स्टैटिक वैल्यू जो है उसमें क्या होता है, स्टैटिक और मिसाल के तौर पर सोल्ड, ठीक है स्टैटिक करके मैं एक सोल्ड लगा देता हूँ इसमें, अब ये वाला जो आइटम है ना उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं डायरेक्ट बुक पे कॉल कर सकता हूँ सोल्ड, डायरेक्ट बुक पे डॉट लगा के कॉल कर दिया, इस इंस्टेंस बनाए बगैर भी इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये करता क्या है, ये कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे इन्होंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अच्छा ये तो इसने सिर्फ फंक्शन का जिक्र किया है, इसमें वेरिएबल भी बन जाता है, आई एम नॉट श्योर कि वो जावास्क्रिप्ट में बनाने देगा या नहीं देगा, बना के देख लेते हैं। सोल्ड इक्वल्स टू 5, अब देखते हैं ये सोल्ड को प्रिंट करता है कि नहीं करता है।
अगर कर देता है तो उसका मतलब है कि कर रहा है ये. ओके सही है, प्रिंट कर दिया इसने. तो वेरिएबल और फंक्शन दोनों स्टेटिक इसमें ये अलाउ कर रहा है. मिसाल के तौर पे व्यू, व्यूज कर देते हैं. सही है, मैंने एक लगा दिया व्यू और एक मैंने कर दिया व्यू इंक्रीमेंट. कि जी व्यू इंक्रीमेंट के ऊपर ना ये क्या करेगा, ठीक है, एक स्टेटिक फंक्शन बना दिया और एक स्टेटिक वेरिएबल बना दिया. वेरिएबल को गेट करूंगा, वेरिएबल सीधा प्रिंट होगा. इसमें मैंने वेरिएबल में प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, व्यू इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा तो व्यू में एक इंक्रीमेंट मार देगा. ठीक है, अभी किया नहीं है एक्चुअली, जस्ट एक कॉमेंट लगा दिया यहाँ पे कि जी हो गया. तो ये स्टेटिक मेंबर हो गया. अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होता है? अब इनहेरिटेंस का कोड को छोड़ के हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया और हमने जो कोड अभी लिखा है उसको भी हमने थोड़ा सा करके देखना है. अच्छा, इनहेरिटेंस जो होता है ना जी, अंग्रेज़ी में इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को. जो इनहेरिट, जैसे अब बंदा बोलता है यार ये प्रॉपर्टी आपने कितने की ख़रीदी, तो वो सामने से बोलता है नहीं जी मैंने ख़रीदी नहीं है, मैंने इनहेरिट की है. यानी मेरे अब्बा से मुझे मिली है या दादा से मुझे मिली है तो इनहेरिट की है मैंने. तो ये होता है इनहेरिटेंस में आपको बहुत सारी, जैसे कुछ लोगों की जो शक्ल होती है या कद होता है या जो बॉडी के कुछ फीचर्स होते हैं जो इनहेरिटेंस इनहेरिट हो जाते हैं आपके पेरेंट्स से. ठीक है, तो इनहेरिटेंस आप सब लोगों को समझ आ गया कि ये क्या होता है जी, पेरेंट्स से मिलता है आपको. अच्छा, अब क्या होता है जी कि ये जो डेटा टाइप है ना, ये जो हमने खुद की अपनी पर्सनल डेटा टाइप बनाई है, कस्टम डेटा टाइप बनाई है, जिसको हम क्लास कह रहे हैं. अब एक क्लास है बुक, बुक में तीन प्रॉपर्टीज हैं. सही है. अच्छा, बुक में तीन प्रॉपर्टीज हैं. अब मुझे क्या करना है, एक और टाइप बनानी है. मुझे एक और टाइप बनानी है, वो भी बुक के जैसी ही कोई चीज़ है. मिसाल के तौर पे उसमें अब दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो मैंने नहीं रखी मेरे वाले बुक में. मिसाल के तौर पे वो इतवार के रिसाले की टाइप है, वो बनाना चाह रहा हूँ. अच्छा, उसमें क्या होता है जी, वो डेट होगी कि कौन से तारीख का ये रिसाला है या कौन से वीक का है. साल में 52 वीक होते हैं गलबन, तो वो 52 वीक में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा वीक है ये, तो वो क्योंकि हर संडे को छपता है वो, तो अब वो एक से लेके 52 तक का उसमें एक नंबर होगा एडिशनल, इन तीन के अलावा, इन तीन के अलावा होगा. अच्छा, एक और चीज़ उसमें हम लगा लेते हैं कि जी ये कौन सी एडिटोरियल का है, क्योंकि इसमें तो था ऑथर है ना, इसमें ऑथर नहीं होगा. ऑथर भी होगा एक्चुअली, जो अखबार का जो एडिटर है वो हो जाएगा ऑथर की जगह. अच्छा, लेकिन मुझे साथ में ये भी लगाना है कि जी वो एडिटर तो हो गया ऑथर, लेकिन कंपनी भी तो इन्वॉल्व है ना कोई, जैसे जंग है या एक्सप्रेस है, वो कंपनी है बाकायदा, तो मैं कंपनी नेम भी उसमें अब मेंशन करूँगा. तो ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हैं जो मेरे बुक में शामिल नहीं है. ठीक है, अब मेरी लाइब्रेरी में वो बुक भी है और मेरे पास रिसाला भी है, तो मैं रिसाले के लिए अलग अलग डेटा टाइप बनाना चाह रहा हूँ. तो मेरे पास एक कन्वीनियंस मौजूद है इस मौके पर, मेरे पास एक कन्वीनियंस ये मौजूद है कि बजाय मैं फ्रॉम स्क्रैच, अब देखो फ्रॉम स्क्रैच मैं बनाऊँगा ना रिसाला, तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं इसका नाम रखूँगा रिसाला. ठीक है, क्लास रिसाला, और क्लास रिसाले में मैं दो चीज़ और ऐड कर दूँगा. ठीक है, वीक, सही है, वीक नंबर मैंने लगा दिया यहाँ. अच्छा, ये वीक नंबर मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे ये यहाँ पे मिल रहा होगा. और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, कंपनी. सही है. अच्छा, इस दफ़ा मैंने जानबूझ के ना इनपुट और यहाँ पे जो दिस डॉट करके इसकी इसके स्पेलिंग को चेंज किया, क्योंकि ये पॉसिबल है जस्ट ये बताने के लिए. अच्छा, तो एक तो ये तरीका हो गया,
ऐसे करके कि जी वो तीन भी इसमें मौजूद है और ये मैंने दो और लिखा, और फ्रॉम स्क्रैच मैंने एक पूरा का पूरा नया टाइप यहाँ पे बना के, ऐसा स्टैटिक वगैरह को हटा देता हूँ उसमें से, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। या मैं चलो नहीं, स्टैटिक भी मिसाल के तौर पर चाहिए क्योंकि जब इनहेरिट करेंगे तो सब आएगा। मेरे पास एक कन्वीनियंस क्या मौजूद है कि मैं ये पूरा फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाऊँ, मैं क्या लिखूँ, क्लास रिसाला एक्सटेंड्स बुक, ठीक है, ऐसे ही बताया ना इसमें, कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था, हाँ ये रहा, क्लास स्क्वायर एक्सटेंड रेक्टेंगल, ठीक है, कि मैं जो क्लास बना रहा हूँ वो रसाला है, लेकिन हमारी जो क्लास है एक्सटेंड करती है किसको, बुक को एक्सटेंड करती है, बुक को एक्सटेंड करती है, ये हो गया। अच्छा अब क्या होगा कि मुझे ना ये दोनों चीज़ें लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, सही है, अब ये ऑटोमेटिकली वो दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं पहले से ही है। अच्छा और ये स्टैटिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी है, हाँ नहीं कंस्ट्रक्टर लगाने की ज़रूरत है क्योंकि वो अब मेरे पास दो एक्स्ट्रा भी तो है ना, अच्छा देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इस वाली क्लास को भी ज़रा देख लेते हैं ना इन्होंने क्या किया है, उसी हिसाब से हम अपने वाले को चेंज कर देंगे। इन्होंने पहले बनाई है क्लास रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल में ये लेते हैं दो पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर लेते हैं और दिस डॉट करके दोनों को लगा देते हैं, सही है। अच्छा हम कंस्ट्रक्टर तक देख रहे हैं अभी, हम ये गेटर सेटर अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा अब इसने क्या किया, स्क्वायर एक्सटेंड रेक्टेंगल, अब ये एक नया बनाया स्क्वायर और रेक्टेंगल, हाँ अच्छा अब ये हो गया ना, ये आ गया ना, अब समझ कि अब क्या होगा, ये सुपर करके मुझे लगाना पड़ेगा इसके अंदर, जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, जो आधा माल तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में, तो उसमें मुझे सुपर करके लगाना पड़ेगा। अच्छा तो मैं, हमारे केस में हम कैसे करेंगे ये काम, लेंथ और विड्थ दो चीज़ मिलती है इसमें, ठीक है, वेल तो मैं ये करूँगा कि ये जो तीन आइटम है ना जो पेरेंट वाले हैं उसको मैं यहाँ से, उसको मैं सुपर करके कॉल करूँगा क्योंकि मैं जो जिसको एक्सटेंड किया उसका वो कॉल कर रहा हूँ, ये मैंने तीनों सुपर करके कॉल कर दिए और बाकियों को मैंने दिस करके लगा दिया, ऐसे करके हो गई, ठीक है, ये एक कन्वीनियंस मौजूद है। अच्छा शायद इस एग्जाम्पल में ये कन्वीनियंस इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ये तो ओवरहेड हो गया है ना, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में ये कन्वीनियंट फील होता है। जी क्या हुआ, दिस डॉट वीक, नंबर ऑफ वीक ये मिल गया मुझे, और दिस डॉट कंपनी में कंपनी, तो ये देखो जब इसको मैं बुक यानी जो भी ये क्लास है ना, जब इसका मैं इंस्टेंस बनाऊँगा तो मैं ये पांचों प्रॉपर्टी उसको दूंगा बनाते हुए, तीन को मैं सुपर पे डाल देता हूँ और बाकी दो को मैं इस क्लास में रखता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये जो, अब मिसाल के तौर पे इसका इंस्टेंस कैसे बनेगा, अब बनेगा इसका इंस्टेंस लेट ए बी सी, मैंने नाम रखा वेरिएबल का, मैंने कहा ये न्यू रिसाला, ठीक है, ऐसे करके, और मैं पाँचों चीज़ें दूंगा दोबारा से, किसी एडिटर का नेम कॉमा, ऑथर का नेम, उसके बाद जॉनरे क्या है इसका, ठीक है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल रसाला है, पॉलिटिक्स हो गया, और उसके बाद मैं नंबर ऑफ वीक दे दूंगा, ठीक है जी 12th वीक का है ये मिसाल के तौर पे, या चलो 2nd वीक का है, यानी साल जब शुरू हुआ है तो साल का पहला संडे जो है उसको छोड़ के ये 2nd वाले संडे का है, ठीक है, जो भी साल का 2nd संडे पड़ा है, कॉमा डाल के मैंने क्या लिख दिया, कंपनी, मैंने लिख दिया जी कि ये एक्सप्रेस वालों का। तो अब ये न्यू रिसाला जो पूरा बन के तैयार होगा ना एबीसी, अब इस एबीसी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ बुक वाली भी होगी, सारी रिसाले वाली भी होगी, दोनों चीज़ होगी। अच्छा इसको क्यों किया जाता है, कोड रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है कि कोड रिपीट ना हो, पहले एक दफ़ा लिखा हुआ है वो रिपीट ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ इनहेरिट होगी, क्या चीज़ इनहेरिट नहीं होगी, अब इसकी एक लंबी दास्तान है, वो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पर शायद डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा वो फिर कहीं एक्सटेंसिव ना हो जाए ना।
तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इनहेरिट हो जाती हैं? अच्छा, अब इनहेरिटेंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसी चीज़ थी उसमें मेरे पेरेंट वाली क्लास में जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब मैं उसको चेंज कर दूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि जी ये जो ऑथर है ना, ये ऑथर को मैं ओवरराइड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं बोलूँगा कि दिस डॉट ऑथर और नॉट एप्लीकेबल। सही है, ऑथर इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं ये ऐसे करके इसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि जी वो पेरेंट से जो जो आ गया वो सब मैं वही रखूँगा। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स से जहालत भी तो मिलती है ना समटाइम विरासत में, लेकिन आप पढ़ाई करके उसको दूर कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, समटाइम बच्चा काला पैदा होता है लेकिन बच्चा बाद में फॉर्मूले लगाता है, फिर तो वो इनहेरिटेड जो स्किन कलर होता है उसको वो ओवरराइड कर लेता है। तो सही है ना, मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे होंगे कि जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे भी पेरेंट कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लेकिन अब हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो हम उनके जो बच्चे हैं, फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक है ना ये कौन से वीक का रिसाला है? ये सुपर ही इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर्स के पेरेंट का कॉल हो रहा है, क्योंकि ये रिसाला जो है ये एक्सटेंड करता है ना बुक को। तो ये जब मैं सुपर कॉल कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है ये बुक का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो पेरेंट है मेरा उसका। क्योंकि अब मैं ये बाकी तीन प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है, इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं किसको दूँ? इसको मैं अपने पेरेंट को पकड़ा रहा हूँ। हाँ, रिसाला डॉट जॉनरे करूँगा मैं, तो मुझे पॉलिटिक्स मिलेगा। यहाँ पे इसको करके देखते हैं ना, अच्छा रिसाला तो नहीं, मैंने एबीसी नाम रखा है ना, एबीसी डॉट जॉनरे, तो इसमें मुझे मिलना चाहिए क्या, मुझे पॉलिटिक्स मिलना चाहिए इसमें। सही है, मिल गया पॉलिटिक्स। लाइन नंबर 53 में मुझे पॉलिटिक्स, ये रहा लाइन नंबर 53 में मुझे पॉलिटिक्स मिला है। सही है, ये 53 लिखा हुआ रहा है। अच्छा जी, और क्या है हमारे पास देखने लायक? अच्छा, अब ये वही उसने बात कर दी कि कोई अगर स्टेटिक मेंबर था पेरेंट के अंदर, अगर पेरेंट के अंदर, एक तो दिस वाली वैल्यू तो सारी इनहेरिट हो गई, अगर कोई स्टेटिक मेंबर था, स्टेटिक मेंबर क्या होता है, जिसका बगैर इंस्टेंस बनाए भी उसको कॉल कर सकते हैं, बगैर इंस्टेंस बनाए भी उसके अंदर चीज़ें रखवा सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ बेस क्लास हैज़ स्टेटिक मेंबर, दोज स्टेटिक मेंबर आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द डिराइव्ड क्लास। कह रहा है कि जब हम उसको इनहेरिट करेंगे तो वो भी साथ आ जाएगी। अच्छा, इनहेरिटेंस वर्क लाइक दैट इन अदर लैंग्वेजेस, बट दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट, हेयर इज एन एग्जाम्पल। अच्छा, क्या इसने ये बात की है भाई? एक ये बनाइए क्लास जिसमें स्टेटिक मेंबर मौजूद है एक। अच्छा, अब दूसरा उसको इनहेरिट किया और स्क्वायर करके बनाया। अब स्क्वायर डॉट क्रिएट करता है तो सही है, स्क्वायर डॉट क्रिएट करता है तो मिल जाता है। अब इसमें बताया क्या है इसने, ये समझ नहीं आया। इंस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल ट्रू, इंस्टेंस ऑफ स्क्वायर फॉल्स। अच्छा, इसमें अब इसने एक और ना बहुत टेक्निकल चीज़ की है जिसकी आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उसने उस तरह की ना टेक्निकल चीज़ करके दिखाई है। इसने बोला भाई स्टेटिक मेंबर अगर कोई आ गया है ना, और आप वो स्टेटिक मेंबर अवेलेबल तो हो जाएगा,
चाइल्ड क्लास में यानी इनहेरिट करेंगे जब, तो वो स्टेटिक मेंबर अवेलेबल तो हो जाएगा, लेकिन जब उस स्टेटिक मेंबर को आप रन करोगे ना, तो वो रन होता है अपनी ही क्लास में जहाँ पे वो था। वो कह रहा है कि रन उधर ही होगा जहाँ पे वो था, और वो कॉन्टेक्स्ट मिसाल के तौर पे आप देखें यहाँ पे ये रन होते हुए ना, इसने बोला न्यू रेक्टेंगल, वो कह रहा है कि वो रन इधर ही होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्ट है ना उसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं सम टाइम, क्योंकि वो रन अपनी ही क्लास में होगा बावजूद उसके कि वो इनहेरिट तो हो गया, लेकिन जब आप उसको कॉल करोगे ना तो वो मौजूद उधर ही है, उधर ही से उठ के आएगा, उठ के भी नहीं आएगा, उधर ही चलेगा, रिजल्ट उठ के आएगा वापस। तो इसकी वजह से सम टाइम रिजल्ट में थोड़ी थोड़ी आपको ये चीज़ नज़र आ सकती है। तो उसने वो ज़बरदस्ती ना वो चीज़ प्रोड्यूस करके दिखाई कि जी अगर आप पेरेंट में होगा तो वो पेरेंट का इंस्टेंस कहलाएगा सम टाइम। ठीक है जी, तो ये भी हमने देख लिया। अब इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ और बची नहीं है, ये हमने शुरू में ही देख लिया था। जब भी अच्छा समरी ज़रा हम डिस्कस करते हैं और फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड तो नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम बाकी है, हम छोटा सा कोई और टॉपिक देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ES6 क्लासेस मेक इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट ईजियर टू यूज़, सो यू डोंट नीड टू डिसरिगार्ड एनी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस यू माइट हैव फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। कह रहे हैं कि जी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्योंकि सबको पढ़ाया है बच्चों को, सारी लैंग्वेजेस में बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो वो यहाँ काम आएगा कभी ना कभी आज नहीं तो कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें वो होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या पढ़ा दिया हमें जो कभी यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा जी, ES6 क्लासेस स्टार्टेड एज सिंथेटिक शुगर फॉर द क्लासिकल इनहेरिटेंस मॉडल इन ES5 बट एडिड सेवरल फीचर्स टू रिड्यूस मिस्टेक्स। कह रहे कि जी है तो सिंथेटिक शुगर लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगाई है कि आप ना कोई गड़बड़ करते हैं तो पता चल जाता है, एरर आ जाता है, तो वो गड़बड़ करने नहीं देता आपको। ES6 क्लासेस वर्क विद प्रोटोटाइपल इंस्टेंस बाय डिफाइनिंग नॉन स्टेटिक मेथड्स ऑन द क्लास प्रोटोटाइप वेयर स्टेटिक मेथड्स एंड अप ऑन अ कंस्ट्रक्टर। ऑल मेथड्स नॉन न्यूमरेबल विच इज़ बेटर मैच द बिहेवियर ऑफ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, दोज मेथड्स आर टिपिकली नॉन न्यूमरेबल। ठीक है, वो सारी क्वालिटीज़ बता रहा है जो ऊपर ये पढ़ा चुका है कि जी वो क्लास के सिंटेक्स से ना वो किस किस्म की क्वालिटी का वो ऑब्जेक्ट तैयार होता है, जो काम मुझे जुगाड़ी तरीके में वो अलग अलग से करना पड़ता था बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये सारी चीज़ें वही वाली हैं। ठीक है जी, ओवरऑल क्लासेस आर इंपॉर्टेंट एडिशन टू जावास्क्रिप्ट, दे प्रोवाइड अ मोर कंसाइज सिंटेक्स एंड बेटर फंक्शनैलिटी फॉर डिफाइनिंग कस्टम ऑब्जेक्ट्स टाइप इन अ सेफ कंसिस्टेंट मैनर। अब कह रहे हैं कि जी आप जो हाथ से ऑब्जेक्ट बनाते हो ना उसके मुकाबले में ये आपको सेफ और कंसिस्टेंट एक तरीका देता है ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है जी, इस बुक को हम कर देते हैं अब बंद।